मैं डॉक्टर इमरान खान, मेडिकल ऑनकोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर यानी कि गुदूत के कैंसर के बारे में, आमतौर पर ऐसे बोल देते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है मेल्स में, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इन द वर्ल्ड। तो उसके आम रिस्क फैक्टर्स की बात अगर करे जाए तो इसमें एज, अगर एज एक इंसान का एज 60 ईयर से अबव होता है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट्स का जेनेटिक फैक्टर होंगे, कोई जीन्स होते हैं जैसे BRCA1 BRCA2 करके, अगर कोई फैमिली में ऐसे जीन्स पॉजिटिव हैं तो इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट्स का मोटापा हो, उसमें कुछ रिस्क हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का चांस हो सकता है। स्मोकिंग से भी कोई चांस है कि लाइक ये कैंसर आने का बढ़ सकता है। इसी तरह कुछ केमिकल लाइक आर्सेनिक वगैरह से देखा गया है कि ये कैंसर बढ़ सकता है। तो इसके आमतौर क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? तो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर पेशेंट यूरिन बहुत बार आ जाए, पेशाब आता रहे, या पेशाब कंट्रोल ना हो पाए, या रात भर पेशाब आता रहे, या पेशेंट को पेशाब के साथ ब्लीडिंग हो जाए, हेमेटोरिया हो जाए। और अगर किसी पेशेंट को लास्ट स्टेज में कैंसर आ जाता है, उसके सिम्टम्स होते हैं कि अगर पेशेंट को बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, एपेटाइट कम हो जाती है, तो ये कैंसर इतना कॉमन होने की वजह से हमें इसकी स्क्रीनिंग करना चाहिए ताकि कैंसर अर्ली डिटेक्शन में पता चल जाए। तो इसके लिए हमारे पास बेसिक टेस्ट है सीरम PSA लेवल करके, जो कि एक आम ब्लड टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस है कि नहीं है। तो कोई अगर कोई भी पेशेंट, पुरुष पेशेंट, मेल पेशेंट जिसका एज 50 ईयर से अबव है, उसको एक सीरम PSA ईयरली कराना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर वो बढ़ता है तो फिर एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये PSA बढ़ने का कारण कैंसर तो नहीं है या कोई आम इन्फेक्शन है। और अगर किसी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हम 45 ईयर्स से अबव करते हैं। तो जब प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी का PSA लेवल 4 से अबव होता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। 4 से 10 को हम पहले कुछ इन्फेक्शन के हिसाब से ट्रीट करते हैं। अगर वो एक हफ्ते 10 दिन तक ठीक नहीं हो पाता है तो हम अपना एवेल्युएशन फर्दर प्रोस्टेट कैंसर की तरफ ले जाते हैं। और अगर किसी का कट ऑफ PSA लेवल 10 से अबव आता है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है और उसको हम एवेल्युएशन करते हैं। तो एवेल्युएशन में बेसिक, बहुत ही बेसिक ब्लड टेस्ट के साथ साथ अल्ट्रासाउंड और इमेजिंग करके हमें पता चल जाता है कि ये कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है। तो एक बायोप्सी से पता चल जाता है कि कैंसर है कि नहीं है, और उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाने कि ग्रेड ऑफ कैंसर क्या है और कितना फैला हुआ कैंसर है, वो हम इमेजिंग से पता चल जाता है। अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर का इलाज सर्जरी से या रेडिएशन से हो सकता है, और कुछ हार्मोनल थेरेपी से इसका लॉन्ग टर्म रेमिशन कर सकते हैं। और एडवांस केस में हम हार्मोनल थेरेपी या टैबलेट फॉर्म ऑफ थेरेपी यूज़ करते हैं। और आजकल इम्यूनोथेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं लाइक ल्यूटेशियम थेरेपी, जिससे लास्ट स्टेज वाला कैंसर भी हम बहुत समय तक, इवन 5 ईयर सर्वाइवल भी अटेन कर सकते हैं। थैंक यू।